नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है रसिया और वेनेजुएला से। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका का कंपनी, एक साउथ अमेरिका का कंट्री है जो काफ़ी ऑयल रिच कंट्री है। ये समझ लीजिए कि दुनिया में एक लार्जेस्ट ऑयल का भंडारण रखता है, वो ऑयल रिजर्व रखता है वेनेजुएला, वो ऐसा कंट्री है। और रशिया को तो आप जानते ही हैं, पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही पहचान है उसकी, वो भी ऑयल रिज़र्व उसके पास भी हैं, ऑयल का एक्सपोर्ट वर्क करता है। और इंडिया को ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत बड़े ऑयल के इंपोर्टर हैं, बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, हमें ऑयल बहुत चाहिए होता है, कच्चा ऑयल। तो दोस्तों, अभी तक क्या है कि वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो सैंक्शन अमेरिका के लगे हुए हैं जिसकी वजह से वेनेजुएला अपना कच्चा ऑयल किसी को बेच नहीं पा रहा था, या ऐसा समझ लीजिए कोई दूसरा कंट्री उससे ख़रीद नहीं रहा है। तो जब उससे ख़रीद नहीं रहा है, लेकिन जो वेनेजुएला का ऑयल है वो काफ़ी हैवी तरीके का है, मतलब जैसे कच्चे तेल अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, सऊदी अरब का अलग क्वालिटी का होता है, रशिया का अलग है, ऐसे ही वेनेजुएला का अलग तरीके का है, वो काफ़ी हैवी होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, तो वो इसलिए लोग उसके ऑयल को परचेज़ करना चाहते हैं। और ख़ास करके इंडिया परचेज़ इसलिए करना चाहता है क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी है वेनेजुएला का जो ऑयल है हैवी वाला, उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा उससे होने की संभावना रहती है, इसलिए हम वेनेजुएला से परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकन सैंक्शन की वजह से हम परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। अब समझ लेते हैं कि पहले वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन आके लगे क्यों हुए थे। दरअसल अमेरिका ने सैंक्शन वेनेजुएला के ऊपर इसलिए लगा दिए थे क्योंकि 2017-18 के समय पे जब वेनेजुएला में चुनाव हो रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ी हुई थी, तो इस गड़बड़ी के चक्कर में वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे क्योंकि वहाँ फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। और उनका ये मानना था कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, इनकी तिजोरी में किसी भी तरीके से पैसे नहीं पहुँचने चाहिए, इसलिए उन्होंने सैंक्शन लगा दिए। और सैंक्शन इतने ज़्यादा तगड़े थे कि कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि हम परचेस कर दें। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि वो उस वक्त जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन उसके बाद से ये जब जो बाइडन जी आए राष्ट्रपति बने, तो इन्होंने कुछ शर्तें लगाई। इन्होंने कहा ठीक है, अगर वेनेजुएला हमारी कुछ शर्तें हैं जो उनको मान लेता है तो फिर हम इनके सैंक्शन हटा देंगे। तो अक्टूबर 2023 आते आते अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन को टेम्परेरली हटा लिया। और जब टेम्परेरी हटाया तो फिर उसके बाद देखा गया कि इंडिया ने वापस वेनेजुएला से ऑयल परचेस करना स्टार्ट कर दिया। और जनवरी, फरवरी, दिसंबर 23 से और फरवरी तक खूब परचेस किया, फरवरी 24 तक खूब ऑयल परचेस किया। लेकिन अप्रैल आते आते अमेरिका ने जब फिर से चेक किया तो देखा कि वेनेजुएला उनकी शर्तों का वायलेशन कर रहा है, उनकी शर्तें नहीं मान रहा है, तो वापस से सैंक्शन लगा दिए गए। और इस बार सैंक्शन और भी ज़्यादा कड़े लगा दिए गए, तो जिसकी वजह से अब वेनेजुएला किसी भी तरीके से ऑयल नहीं बेच पा रहा था। तो अब दोस्तों, जब ऑयल नहीं बेच पा रहा था, अब वहाँ पर भारत को ऑयल चाहिए, अब भारत कैसे ऑयल परचेस कर पाए, तो इसके लिए बीच का एक रास्ता निकाला गया कि उनका सैंक्शन का वॉयलेशन भी ना हो अमेरिका के, और हमें वेनेजुएला से ऑयल मिल जाए क्योंकि हमें तो वेनेजुएला का ऑयल चाहिए। अब वेनेजुएला का ऑयल डायरेक्टली भारत ले नहीं पा रहा था, तो उसमें सहायता ली गई रसिया की। दरअसल क्या है कि रसिया की एक कंपनी है रॉसनेफ्ट, तो इस ने वेनेजुएला की जो कंपनी है, एक है पीडीवीएसए एक कंपनी है वेनेजुएला की कंपनी, जो कि ऑयल की एक्सट्रैक्शन करती है, ऑयल बेचती है। तो इस कंपनी ने एक लोन ले रखा है रॉसनेफ्ट से, मतलब ये समझ लीजिए रसिया का लोन है वेनेजुएला के ऊपर, दे रखा था काफ़ी ज़्यादा लोन। तो अब उनसे ये ऑयल परचेस कर रही है रसिया की कंपनी वेनेजुएला की कंपनी से ऑयल परचेस कर रही है, और उसका पेमेंट कैश में नहीं दिया जा रहा है, उसका पेमेंट जो पहले लोन दे रखा है उस लोन से हो रहा है, वो लोन से काटा जा रहा है पैसा। तो अमेरिका ने भी अपनी स्पष्टीकरण दिया कि ये जो पैसा है अल्टीमेटली लोन से कट रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनकी तिजोरी में पैसे नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये सैंक्शन का वॉयलेशन नहीं है। तो ये जब वॉयलेशन नहीं माना गया, फिर रशिया की कंपनी ने वेनेजुएला से
ऑयल परचेज किया। फिर रसिया की एक कंपनी है नायरा, जो इंडिया में भी उसके पेट्रोल पंप वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो उस नायरा कंपनी ने इंडिया को ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया। जो इंडियन कंपनीज हैं रिफाइनरीज कंपनी, इनको बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ये समझ लीजिए दोस्तों, इंडिया का तो वहाँ से काम बन गया, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये सोच लीजिए कि इंडिया की जो कंपनी है रिलायंस, अब ये वापस से सोच, अभी रिलायंस नहीं परचेस कर रही है, तो अब रिलायंस भी कह रही है कि ठीक है, हम अब वेनेजुएला का ऑयल इसी रूट के थ्रू ऐसे ही इसी तरीके से परचेस करेंगे। दोस्तों ये सोच लीजिए कि इंडिया का तो काम बन गया, लेकिन चाइना अभी भी फंसा हुआ है, चाइना अभी भी नहीं परचेस कर पा रहा है। चाइना ने भी तभी सस्पेंड जब कर दिया था परचेस करना ऑयल, जब सैंक्शन लगे थे, और वो आज तक नहीं कर पा रहा है। इंडिया को तो चलो एक रास्ता मिल गया कि उस कंपनी के थ्रू ऑयल हमें ले लेना है। अब जितने टाइम तक मिल पाता है उतने टाइम तक तो ले ही लेते हैं, उसके आगे की फिर देखी जाएगी, कुछ और तरीके निकाले जाएंगे परचेस करने के लिए। ये लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा है, भारत की कंपनियों के लिए अच्छा है। इससे कहीं ना कहीं हमारी कुछ कॉस्ट ज़रूर कम होगी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली वो ऑयल होगा, और कहीं ना कहीं हमारी कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा। हो सकता है कि हमको कहीं प्राइस कट में देखने को मिले। दोस्तों अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।